जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने के पुलिस ने 12 घंटे के अंदर लूट की चैन व चोरी से संबंधित 11,000 के साथ दो शातिर चोरनियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बढ़लगंज थाना क्षेत्र के निशा व मंजू के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस ऑफिस स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया। आज थाना कैंट द्वारा एक शानदार सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने एक लुटेरी महिलाओं की गैंग का पर्दाफाश किया है। ये महिलाएं ऑटो में बैठ के किसी भी महिला से छोटी बात पर उलझती हैं, उलझने के बाद में उसकी मारपीट करके उससे चैन या फिर उनका पर्स या इस तरह की चीजें छीन लेती है। इस तरह की एक घटना इन्होंने 3/10/2022 को की थी, एक घटना इन्होंने आज सुबह प्रातःकाल में 8 बजे के आसपास इन्होंने घटना कारित की। इस घटना के अंदर दो महिलाएं उनको पकड़ा गया है, निशा पत्नी रोशन और मंजू पत्नी संजय, ये बढ़लगंज की निवासी हैं और दो मुकदमे थाना कैंट पर जो रजिस्टर्ड है 893/22 और 805/22 इन दोनों का सफल अनावरण किया है। इनके पास से एक जो काटी गई चैन जो उन्होंने आज सुबह लूटी थी वो, एवं जो पूर्व में भी एक चैन लूटी थी जो उन्होंने बेच के जो उससे जो पैसा प्राप्त हुआ था 11,000 रुपए, वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये महिलाएं देखती हैं कि पहले से ही एक ऑटो में बैठी रहती हैं, ऑटो ट्रेवल करता है और इम्पोर्टेंट फॉर एग्जांपल नौसड़ से कोई महिला चल के कूड़ाघाट तक आती है, तो उसी बीच में लंबी दूरी में ये बातों में उलझा के या पांव दबा के या किसी तरीके से छोटी छोटी बात पर किसी घटना को इनिशिएट करती हैं और उसके बाद में फिर उससे लड़ाई पर उतारू हो जाती हैं। इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। शहर में जितने भी ऑटो चल रहे हैं, ये मुख्यतः ऑटो में बैठकर ही अकेली महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के गैंग के पर्दाफाश से इस तरह की घटनाओं पर शहर में